हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है, सबके तबीयत ठीक है? ठीक है बच्चों, तो आप लोग अपनी सेहत का ध्यान रखिए और साथ में पढ़ाई का भी ध्यान दीजिए। तो इंग्लिश की क्लास में आज आपका स्वागत है बच्चों। इंग्लिश में हम लोग द बैलून मैन पढ़ रहे थे और द बैलून मैन में हम लोगों ने पोएम पढ़ी थी, पोएम लिखी थी और पोएम के बाद हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए थे और हमने आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स दिए थे ताकि आप उसको अपनी कॉपी पर लिख सकें। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। और बच्चों, अब टेस्ट का समय भी करीब धीरे धीरे आ रहा है, तो आप लोग क्वेश्चन आंसर्स को भी याद करते चलिए। ओके, तो अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं उसी के क्वेश्चन आंसर के आगे। तो इसमें देखिए, द वर्ड बिल्डिंग, वर्ड बिल्डिंग में आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम जम्बर्ड लेटर्स। ये जो लेटर्स लिखे हुए, ये जम्बर्ड हैं, हैब्जर्ड हैं, इनको अव्यवस्थित कर दिया गया, जिनको कि आपको सही वर्ड बना करके, मीनिंगफुल वर्ड बना करके लिखना है। ये जो जगह यहाँ पर बनी हुई है, तो बच्चों ये जम्बर्ड जो वर्ड है LLABOONS, इसका जो मीनिंगफुल वर्ड होगा बैलून्स। क्या होगा? बैलून्स, BALOONS, बैलून्स। उसके बाद नेक्स्ट है ULBE, इसको, इस जम्बर्ड वर्ड को हम सही तरीके से लिखेंगे। पहले बी लिखेंगे, BLU, देन लास्ट में ई, ब्लू। क्या होगा? ब्लू होगा। आगे WOLBE, इसको मीनिंगफुल बनाएंगे तो क्या होगा? इसके दो वर्ड बनेंगे बच्चों। पहला होगा बिलो। क्या होगा? बिलो, BELOW, बिलो। और फिर होता है ब्लू, BLEW, ब्लू। ये दो वर्ड इसके बनेंगे, बिलो और ब्लू। आगे नेक्स्ट देखते हैं CUNLH, ये इस जम्बर्ड वर्ड को हम सही तरीके से ठीक करके लिखेंगे तो होगा LUNCH, लंच। जैसे आप लोग स्कूल आते हैं बच्चों तो दोपहर में लंच करते हैं, उसी की स्पेलिंग है ये LUNCH, लंच। आगे देखिए PLOEP, बच्चों ये जम्बर्ड वर्ड है ना, तो इसको मीनिंगफुल बनाना है। पी, पहले पी लिखेंगे ये, फिर ये लिखा, फिर उसके बाद ईओ, PPLE, पीपल। क्या होगा? पीपल। आगे देखिए नेक्स्ट CRAT, इसको मीनिंगफुल बनाएंगे तो क्या होगा? कार्ट। क्या होगा? कार्ट, CART, कार्ट। नेक्स्ट इसी में एक्सरसाइज देखते हैं बच्चों, पुट द वर्ड्स इन द गिवन बॉक्स इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। इसमें बच्चों जो नीचे ब्लू कलर का बॉक्स बना हुआ है, इसमें कुछ वर्ड्स लिखे हैं जिनकी कुछ मीनिंग होती है, जिनको कि ऊपर जो है ये तीन ग्रुप बने हुए, नेचर, फूड और कलर्स। इन ग्रुप्स में इनको लिखना है। नेचर माने प्रकृति में जो चीज़ें हमको मिलती हैं उसको ऊपर लिखना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो इसका बॉक्स कॉलम है उसमें फूड, तो जो फूड आइटम है उसको नीचे लिखेंगे, फिर उसके बाद कलर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स जो है वो नीचे लिखेंगे। तो इसमें बच्चों जो वर्ड लिखे हुए हैं उसको पहले पढ़ लेते हैं। पहला है WIND, विंड। फिर नेक्स्ट है TURNIP, टर्निप। फिर उसके बाद PURPLE, पर्पल। क्या होगा? पर्पल। फिर इसके बाद पाइनएप्पल, PINE, पाइन, APPLE, एप्पल, पाइनएप्पल, जिसको अनानास बोलते हैं। आगे स्काई, SKY, स्काई। क्या होगा? स्काई। आगे देखते हैं नेक्स्ट ग्रीन,
क्या होगा, ग्रीन, जी आर डबल ई एन, ग्रीन। फिर इसके बाद ग्रास, जी आर ए डबल एस, क्या होगा, ग्रास। फिर इसके बाद डब्ल्यू एच आई टी ई, वाइट। फिर इसके बाद वाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू, येलो। लास्ट है आर आई सी ई, राइस, राइस माने चावल। तो बच्चों ये थे वर्ड्स जो कुछ चीज़ों के, जिनको कि ऊपर आपको इसमें क्या कहते हैं ग्रुप्स में लिखना है। पहला ग्रुप है नेचर का, तो हम एक एक डिस्कस करेंगे और इन ग्रुप्स में लिखते चलेंगे। तो पहला क्या है, विंड। तो विंड आपको कहाँ नेचर में मिलती है, नेचर की चीज़ है कि फूड आइटम है कि कलर है। बच्चों ये विंड हवा जिसको कहते हैं, ये नेचर में मिलती है, प्रकृति में मिलती है, इसलिए इसको यहाँ पर लिखेंगे W I N D, विंड। नेक्स्ट है टर्निप, T U R N I P, टर्निप। टर्निप माने होता है शलजम, ये खाने की चीज़ है बच्चों, तो इसको सेकंड ग्रुप में लिख देंगे T U R N I P, टर्निप। नेक्स्ट है पर्पल, पी यू आर पी एल ई, पर्पल। पर्पल मीन्स होता है बच्चों बैगनी कलर जो होता है, ये एक प्रकार का कलर है, तो उसको कलर्स में लिख देंगे। तो यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे पर्पल, पी यू आर पी एल ई, पर्पल। अब नेक्स्ट देखिए पाइन एप्पल, पी आई एन ई ए डबल पी एल ई, पाइन एप्पल। बच्चों ये खाने की चीज़ है, एक फल है जिसको हम अनानास कहते हैं हिंदी में अपनी भाषा में, तो इसको फूड आइटम में इसको पाइन एप्पल में यहाँ पर लिख लेंगे पी आई एन ई, पाइन एप्पल, ए डबल पी एल ई, पाइन एप्पल। अगला वर्ड है स्काई, स्काई माने क्या होता है, आकाश, क्या होता है, आकाश। तो बच्चों ये अपने नेचर में मिलता है, ये प्रकृति है, प्रकृति में मिलता है, इसलिए इसको एस के वाई, स्काई, इसको हम पहले ग्रुप में लिख देंगे। नेक्स्ट है ग्रीन, जी आर डबल ई एन, ग्रीन। इसको बच्चों ये एक तरीके का कलर है, हरा रंग जिसको बोलते हैं, तो इसको कलर्स में लिख देंगे जी आर डबल ई एन, ग्रीन, ग्रीन। अब इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ग्रास, जी आर ए डबल एस, ग्रास। ग्रास माने होता है घास, जिसको कि कौन खाता है, जानवर खाते हैं, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये सब घास खाते हैं, एक तरीके का फूड आइटम है, इसलिए इसको हम फूड आइटम में लिख देंगे ग्रास, जी आर ए डबल एस, ग्रास। आगे देखते हैं ग्रास के बाद क्या है, वाइट, डब्ल्यू एच आई टी ई, वाइट। वाइट माने सफ़ेद, ये क्या है बच्चों, एक रंग है, क्या है, रंग। तो इसलिए इसको कलर्स वाले ग्रुप में लिखेंगे W H I T E, वाइट। अब इसके बाद बच्चों क्या है, Y E डबल L O W, येलो। क्या बोलेंगे इसको, येलो, येलो माने पीला, पीला एक कलर है, तो इसको कलर वाले ग्रुप में लिख देंगे Y E डबल एल ओ डब्ल्यू, येलो। अब लास्ट में है आर आई सी ई, राइस। राइस माने चावल। बच्चों आपको मालूम होगा EVS में हमने पढ़ाया था कि चावल से कई चीज़ें बनती हैं, साउथ में चावल ही बनता है जिसमें इडली, डोसा, सांभर, ये सब बनता है, और बंगाल में चले जाइए तो बंगाली लोग मच्छी और चावल खाते हैं, तो
तो इसलिए ये एक माने भोजन है, इसलिए इसको फूड में लिखेंगे RICE। तो ये था बच्चों वर्ड बिल्डिंग, जिस और ये सही ग्रुप में इसको लिखना। तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे और स्पेलिंग भी याद करेंगे। थैंक यू।